Hi everyone, so in this video I will talk about that what is the RTI cutoffs for IIM Calcutta and what will be the CS score and how to calculate CS score for IIM Calcutta and what is the fees for IIM Calcutta and what is the placement for IIM Calcutta. तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये दिस डेटा ही टेकन फ्रॉम द करियर कंसल्टेंट वेबसाइट. सो लेट्स स्टार्ट टूडे वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर माई वीडियोज. सो लेट्स स्टार्ट टूडे ब्लॉग्स. तो यहाँ पे जो है IIM कलकत्ता का आप देख सकते हो. तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज मिनिमम कंपोजिट स्कोर फॉर शॉर्टलिस्टेड टू इंटरव्यू राउंड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर जनरल 56.488, फॉर EWS 51.029 एंड फॉर OBC 48.63 एंड SC 41.203 एंड फॉर ST 34.35 एंड कैटेगरी वाइज कंपोजिट स्कोर कट ऑफ फॉर द फाइनल ऑफर ऑफ एडमिशन जैसे जनरल फॉर 48.684, EWS 48.467, फॉर NC OBC 35.519, SC 35.914, फॉर ST 24.547. और हम बात करें तो कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफर द फाइनल ऑफर ऑफ एडमिशन एंड जनरल 415 एंड EWS 17 एंड OBC 233 एंड SC 128 एंड फॉर ST 105 एंड कैटेगरी वाइज वेट लिस्ट मूवमेंट की बात करें तो फॉर जनरल 171, फॉर EWS 6, NC OBC 137, फॉर SC 95, फॉर ST 57. तो यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे पूरा दिया गया है. अब हम देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट CS स्कोर फॉर IIM कलकत्ता. तो यहाँ पे जो रहता है शॉर्ट लिस्टेड फॉर PI एंड BAT. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि CAT का जो स्कोर्स है उसको 56 वेटेज दिया गया है, 10th के मार्क्स को 10 दिया गया है, 12th के मार्क्स को 15 वेटेज दिया गया है एंड जेंडर डाइवर्सिटी को 4. तो 4 पॉइंट्स विल बी अवॉर्डेड फॉर फीमेल एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट ओनली. तो यहाँ पे 4 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे यदि आप फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं. तो यहाँ पे टोटल 85 हो जाता है. तो ये पूरा इस बेसिस पे आपको 85 मार्क्स दे दिया जाएगा एंड अ कैंडिडेट कैट 2022 टोटल ओवरऑल स्किल स्कोर एंड बी इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल कैट दो 2020 टोटल ओवरऑल स्किल स्कोर. तो यहाँ पे हिसाब से पूरा कैलकुलेट किया जाएगा. यहाँ पे हम देखें तो 0.4 मार्क्स सिक्योर्ड फॉर 10th एंड 12th क्लास. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यदि आपका 10th में 80% से ऊपर है तो आपको 10th मार्क्स दे दिया जाएगा और 70-80 है तो 8 दिया जाएगा. उसी हिसाब से आप इस लिस्ट में आगे के देख सकते हो एंड यहाँ पे 12th का देख सकते हो लाइक 12th में आप देख सकते हो 18 से ऊपर है तो 50 मार्क्स आपको दिया जाएगा, 75 से 80 है तो 12 दिया जाएगा. तो इस हिसाब से आप पूरा आपका देख सकते हो कि किस टाइप से आपको वेटेज रहेगा. और यहाँ पे हम देखें तो ये पूरा क्राइटेरिया लाइक फिर उस हिसाब से आप आगे भी राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हो. तो कैट 2022 के स्कोर्स को 30 वेटेज दिया जाएगा, आपको PI के लिए 48 दिया जाएगा. लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका कैट का वेटेज भी आपके पर्सनल इंटरव्यू से काफी कम हो जाता है. तो कैट का वेटेज ओनली 30 इंक्लूड होगा और PI का 48 होगा. लाइक आपका ओनली कैट में ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करना है, आपको आपके PI में भी ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तब आपका 100 में से 48 का जो वेटेज दिया गया है वो PI को दिया गया है. और उसके बाद राइटिंग एबिलिटी को 8 दिया गया है एंड उसके हिसाब से आगे के वो उसको आपको देख सकते हो 6 दिया गया है एंड वर्क एक्स को 8 दिया गया है. तो इस हिसाब से आपकी एक फाइनल लिस्ट बनी एंड उस हिसाब से आपको दिया जाएगा कि आपको फाइनल कॉल आता है कि नहीं. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दिया गया है एकेडमिक डाइवर्सिटी. तो यहाँ पे डिग्रीज देख सकते हो, आप इंजीनियर हो तो 0 मार्क्स दिया जाएगा. बेसिकली IIM क्या चाहते हैं कि जब IIM में लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हो तो वो डाइवर्स पीपल चाहते हैं, लाइक डाइवर्स बैकग्राउंड के पीपल रहेंगे तो दे कैन शेयर देयर नॉलेज इन IIM कॉलेज. तो यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले पीपल काफ़ी ज़्यादा उठते हैं, तो ऐसा ना हो कि सारे इंजीनियर्स ही IIM बैंगलोर में एडमिशन ले लें. तो इस हिसाब से आप देख सकते हो इंजीनियरिंग कॉलेज को 0 वेटेज दिया गया है, ये आपसे अलग से आपको मार्क्स दिए जाएंगे. तो आप यहाँ पे देख सकते हो लाइक हाईएस्ट मार्क्स इनको दिए गए, लाइक CA वगैरह हैं आप तो आपको 6 मार्क्स यहाँ पे दे दिए जाएंगे. तो इस हिसाब से आपका एकेडमिक वाला वेटेज रहेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्क एक्स का, तो वर्क एक्स में भी क्या है कि यदि आपका वर्क एक्स 0 लाइक लेस देन 6 मंथ का है तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा एंड आपका 6 मंथ से 24 का है तो आपका
एक्स बाई थ्री, लाइक जितना भी होगा उसमें आप डिवाइड बाई थ्री कर लेंगे, एंड आपको जितने भी मंथ का होगा। एंड आपका यदि 8th, यदि आपका 24 to 36 मंथ के बीच में है तो आपको 8 मार्क्स दिया जाएगा, एंड 36 से 48, तो 26 - x/2 एंड 48 से ज़्यादा है तो आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। तो लाइक ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस भी ख़राब होता है, तो आपको मेन यदि आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ये आपको 36 से 48 का लाइक 3 और 4 ईयर्स के बीच होगा तो बेटर रहेगा। यदि 4 ईयर्स से ज़्यादा है तो वो एक्सपीरियंस भी आपको 2 मार्क्स ओनली मिलेगा। और यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे दी गई है कि किस हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा। सो दिस इज द लाइक सो यू अंडरस्टैंड लाइक हाउ कैन बी कैलकुलेट सी एस स्कोर फॉर आई एम कैलकटा। और यदि हम बात करें फीस की, तो आई एम कैलकटा के लिए फीस लगभग 27 लैक्स है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फाइनल प्लेसमेंट्स फॉर आई एम कैलकटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी टी सी जो रहा था आई एम कैलकटा का, तो दैट वाज द टॉप 5% स्टूडेंट गेट 64.99 लैक्स का। और यहाँ पे टॉप 10% में यदि आपका प्लेसमेंट लगता है तो 57, 15% में 54, 20% में 51 एंड 25% में 48 एंड 50% में 41। और यदि आपका एवरेज देखें तो यहाँ पे एवरेज 34.20 का रहता है और मीडियम 31। तो यदि आपका आई एम कैलकाटा में एडमिशन हो जाता है तो आपकी श्योरिटी है लगभग आप 30+ का पैकेज तो ऐप मिनिमम ले ही सकते हैं। आप देख सकते हो मीडियन ही 31 है, और यदि आप थोड़े और टॉप स्टूडेंट्स में रहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। तो और यहाँ के हम रिक्रूटर्स देखें तो ये प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स हैं, लाइक काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, BCG है और काफ़ी अच्छी कंपनी यहाँ पर डेलॉयट है, एयरटेल है, काफ़ी अच्छी कंपनी यहाँ पे गोल्डमैन सैच है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, बेन एंड कंपनी, तो ये यहाँ के प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी आती हैं तो जिसमें आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो आपकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम रिक्रूटर्स, दीज आर सम फर्स्ट टाइम रिक्रूटर्स फॉर आई एम कैलकटा एंड दिस इज ऑल अबाउट द आई एम कैलकटा। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।